हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो हम बताने वाले हैं कि आपको ये कंपनी जो कि मिली वह फॉरेक्स ब्रोकर है, ये आपको $50 यानी 3700 रुपये फ्री में दे रही है। और उस फ्री के पैसे से आप ट्रेडिंग करके आप चाहे जितना पैसा बना सकते हो और कमा सकते हो, सारे टर्म एंड कंडीशन फॉलो करोगे। कैसे मिलेंगे और किन लोग कैसे, यानी अगर आप नए हो तो भी आप ट्रेडिंग भी सीख जाओगे इस वीडियो में, और उसके बाद फ्री में पैसे भी मिल जाएंगे उस ट्रेडिंग से। इजीली आप उसको विड्रॉल भी कर पाओगे अगर सारे टर्म एंड कंडीशन फिल किया। लेकिन उससे पहले बता दें, अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ ज्वाइन कर लेना। कोई भी वीडियोज़ होता है या कोई अपडेट होता है सबसे पहले यहाँ पर दे देता हूँ। ट्रेडिंग के सिग्नल वगैरह, क्रिप्टो रील, सारी जानकारी, फ्री की अर्निंग टिप्स, सारी चीज़ें मिलते हैं, तो इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना फ्रेंड। ऐसे ही फ्री की चीज़ें मैं लाता रहता हूँ, ट्रेडिंग फ्री करने का तरीका। तो बाकी जो फर्स्ट इसमें बताने वाले हैं, पहले तो ये बता देंगे इसका टर्म एंड कंडीशन क्या है, जो $50 कंपनी में फ्री में 3700 रुपये दे रही है। और प्लस इसके बाद इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कैसे हम आईडी बनाएंगे, क्योंकि हम नए होते हैं तो वो जानकारी नहीं होती। और थर्ड होता है कि हम फिर उसका ट्रेडिंग कैसे करेंगे, कौन से प्लेटफॉर्म में, कैसे MT4 या MT5 में कैसे हमें लॉग इन करना है और ट्रेड कैसे लेना है, और कितने टाइम में इसकी KYC वगैरह अप्रूव होगी, जो भी चीज़ें हैं सारा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। जो पुराने हैं वो तो भाई थोड़ा सा कंडीशन देख के सिंपल सा डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया इसका, तो लिंक पर क्लिक करके आप इजीली आप आईडी बना सकते हो। बाकी जो न्यू है उन्हें तो भाई पूरा वीडियो देखना ही होगा। तो फ्रेंड अब पहले तो बता दें, सबसे फर्स्ट रूल आता है कि भाई इसका टर्म एंड कंडीशन जान लें क्या होता है। देखो फ्री डिपॉजिट बोनस का जो टर्म एंड कंडीशन, क्योंकि कंपनी अगर फ्री में पैसे दे रही है तो भाई टर्म एंड कंडीशन तो रहेगा ही ना। तो पहला टर्म एंड कंडीशन में देख लो कि कौन से देश को ये मिलने वाला है, यानी ये बोनस कौन से देश वाले ले सकते हैं। आप पाकिस्तानी हो ले सकते हो कि नहीं, साफ बता दूं अगर पाकिस्तानी हो तो भाई आप लोगों के लिए ये नहीं अवेलेबल। बाकी इंडिया से बिलोंग करते हो तो भी आपको मिल जाएगा, और इंडिया से बिलोंग करते हो, चाइना से बिलोंग करते हो तो भी मिल जाएगा। घाना, इंडिया, इंडोनेशिया, केन्या, मलेशिया, नाइजीरिया, फिलीपींस, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम, साउथ अफ्रीका, इतने कंट्री वाले हो भैया तो आपको खुश होना चाहिए, आपको फ्री में कंपनी दे रही है। इससे अच्छे से ट्रेडिंग करके आप सीख भी पाओगे, और जो भी विड्रॉल होगा कंडीशन के साथ अगर पूरा किया तो इजीली विड्रॉल भी कर पाओगे। अब उसके बाद सेकेंड इसमें टर्म लिख के बोला है कि भाई कंडीशन, बिजनेस, बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं, और नीचे मतलब और चीज़ें। और इसके बाद हाँ, जो ट्रेडिंग में करना है भाई, हेजिंग वगैरह नहीं करना है, यानी बाई और सेल जो एक साथ एक ही पेयर पे मार दे तो वो सब चीज़ें नहीं करनी है। और भाई जो मैंने बार बार बताता हूँ कि भाई IP एड्रेस सेम नहीं होना चाहिए, यानी सिंपल जैसे अपना मोबाइल चला रहे हो, मिलीवा कंपनी ब्रोकर का डबल ID आप नहीं यूज करो। मिलीवा यानी जिस ब्रोकर का यूज कर रही, अलग अलग ब्रोकर यूज कर सकते हो, मिलीवा ब्रोकर। अब इसमें आपने ID बना ली, अपने ही मोबाइल के डेटा से बनाना है, और किसी दूसरे का गलती से भी लॉगिन मत करने ना मिलीवा मतलब अकाउंट ID। सिंपल एक मोबाइल में एक आईडी KYC होता है, एक आईडी, एक मोबाइल में एक आईडी। ये चीज़ें ध्यान देना है, ये तो बार बार बता दूँ, ये चीज़ें कंपलसरी होती हैं। अब रही बात जो हार्ड होता है, वो चीज़ें क्या है फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पे दिया है 25 स्टैंडर्ड लॉट, तो यहाँ पे जो हमें पूरा करना है 25 स्टैंडर्ड लॉट पूरा करना, वो भी एक महीने के अंदर में, यानी जिस दिन आपने आज से अगर रजिस्ट्रेशन किया कैलेंडर डेट के हिसाब से, तो आज से आपका काउंटिंग चालू हो जाएगी। एक महीना के अंदर में ही जितना प्रॉफिट बनाओगे, और ये 25 स्टैंडर्ड लॉट भी कंप्लीट करना है, यानी 1 स्टैंडर्ड 1000 यूनिट के बराबर होता है। तो यानी 25 स्टैंडर्ड लॉट प्लस एक महीने के अंदर ही में करना, उसका जो भी एक कंडीशन फिल है, आपने कोई गलती नहीं की, हेजिंग वगैरह नहीं की, RB ट्रेड वगैरह, तो इजीली आप विड्रॉल कर पाओगे। अब भाई ये चीज़ें आपको टर्म कंडीशन पता ही चल गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि भाई अब अकाउंट हम ओपन कैसे करें। चलो कंडीशन तो हो गया, चलो कंडीशन पूरा होगा नहीं होगा, कम से कम हमें सीखने को तो मिलेगा ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब भाई थोड़ा सा नीचे जाते हैं, यहीं पर नीचे क्या आपको करना क्या, फर्स्ट तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे मैंने लिंक दिया है उस पर आप क्लिक करोगे। सिंपल सा क्लिक करने के बाद आपको सिंपल सा यहाँ पे क्लिक कर देना है, ये 3 लाइन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको करना है, नेक्स्ट ऑप्शन आपको क्लिक करना है फ्रेंड, यहाँ देखो बोनस एक ऑप्शन है, तो बोनस पे क्लिक कर देना है। और उसका नेक्स्ट, उसके बाद बोनस के बाद जो ऑप्शन क्लिक करना है, एकदम चौथा जो ऑप्शन है फ्री डिपॉजिट $50 बोनस, इस पर क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड जैसे इस पर क्लिक करोगे इस तरह इंटरफेस आ जाएगा, यही कंडीशन ऊपर दिए होंगे। नीचे आपको जाना है ओपन लाइव अकाउंट पे क्लिक करना है फ्रेंड। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है फ्रेंड, सबसे ऊपर आपको अपना रियल नेम, जो भी आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड में, वो डालना है, अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है, अपना एक पासवर्ड डाल देना है, रिपीट कर देना पासवर्ड, फिर अपने जिस कंट्री से वो कंट्री सेलेक्ट कर देना है, फिर आपका जो भी रियल फ़ोन नंबर है वो डाल देना है, जो भी मेल फीमेल हो वो डाल देना है। फिर उसका नेक्स्ट नीचे ऑप्शन आता है एड्रेस,
जो भी आपके आधार कार्ड पे एड्रेस है, जो डॉक्यूमेंट इसमें लगा होगा उसी का एड्रेस डाल देना है। सिटी जो भी है, स्टेट, जिप कोड, यानी जिप कोड यानी पिन कोड जो आपके डाकखाने का होता है, आपके एरिया कोड। उसके बाद यहाँ आई एक्सेप्ट पे टिक लगा देना है, फिर नीचे आता है रजिस्टर बटन पे क्लिक कर देना है फ्रेंड। नेक्स्ट फ्रेंड इस तरह ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए देगा। लेकिन उससे पहले आपको देखो नीले कलर में जो बॉक्स में लिखा चेक योर मेल एंड वेरीफाई योर अकाउंट, तो आपने जो ईमेल आईडी डाली है उस पर एक मैसेज गया, उस पर क्लिक करके वेरीफाई करना है। फ्रेंड जैसे ही मैं मेल चेक करता हूँ तो देखूँगा ऊपर रिफ्रेश करते नहीं मिलता, तो मैसेज क्या करना है आपको स्पैम बॉक्स में चेक कर लेना है। यहाँ पे अपने मेल के थ्री लाइन पे क्लिक करना है, नीचे जाना स्पैम बॉक्स यानी जो होता है स्पैम मैसेज, इसमें चले जाना। तो यहाँ पे मैसेज वो मिल जाएगा, तो इस पर मैं क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे दे रहा है। तो काफ़ी लोग जैसे स्पैम वगैरह कर देते हैं तो स्पैम में आने लगता है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा अब सिंपल सा। उसके बाद क्या है, यहाँ कन्फर्म योर ईमेल आ रहा है फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ जो कन्फर्म योर ईमेल आ रहा है इसी पर आपको सिंपल क्लिक करना है। फ्रेंड जैसे ही क्लिक करोगे इस तरह योर ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। तो आपको उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट ईमेल आईडी अपनी डालनी है, जो पासवर्ड आपने बनाया वो डाल के सिंपल सा यहाँ साइन इन बटन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। और फ्रेंड आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साइड में थ्री लाइन, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड सिंपल सा इसमें कई ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ जो सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है माई डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे अपनी KYC कंप्लीट करनी है, उसके बाद ही हमें $50 यानी $3700 मिलने वाले हैं, तो इस पर सिंपल सा आपको क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे इस पर क्लिक करोगे दो ऑप्शन आ जाएगा, पहले तो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फिर सेकेंड बैंक डिटेल यानी बैंक की स्टेटमेंट आपको अपलोड करनी होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट मैं डॉक्यूमेंट अपलोड पर क्लिक कर दे रहा हूँ। और फ्रेंड यहाँ तीन ऑप्शन दिए अपलोड करने के लिए, यहाँ जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे मैं पैन कार्ड अपलोड करने वाला हूँ, सेकंड ऑप्शन में मैं फ्रंट साइड आधार कार्ड का फ्रंट अपलोड करूँगा, थर्ड वाले में आधार कार्ड का बैक ओरिजिनल से फोटो खींच के वो अपलोड करनी है फ्रेंड, और उसका सिंपल सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे ही अपलोड करोगे यहाँ सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन जब अपलोड करो मुझे एक प्रॉब्लम आई, जैसा कि यहाँ पे अपलोड साइज 2 MB दिया है, तो आपकी फ़ोटो आपने खींचा शायद वो दो चार MB की फ़ोटो आ जाती है आजकल के मोबाइल में, तो फ्रेंड उसकी साइज़ क्या करना है, इजली छोट कर लेना, साइज़ छोटा करने का तरीका नहीं पता, सिंपल सा अपने एक व्हाट्सअप से दूसरे या अपने फ्रेंड पर भिजवा लेना, व्हाट्सअप साइज़ छोटा हो जाएगा, आसान तरीका है। बाकी आप एप्लीकेशन का भी यूज कर सकते हो साइज़ छोटा, तो मिनिमम 2 MB से कम कर देना, तो उसका अपलोड करो इजली सक्सेस हो जाएगा। अब हम करते हैं बैंक डिटेल, अब सिंपल सा ऑप्शन पर क्लिक करके, और फ्रेंड आपको सेकंड ऑप्शन पे आ जाना बैंक डिटेल यानी अपनी बैंक की स्टेटमेंट निकाल लेनी, लास्ट मंथ की, लास्ट जो भी मंथ है लास्ट मंथ है, और ये जो ऑफर चल रहा है नोटिफिकेशन का इसी मंथ में चल रहा है December 2021 लास्ट तक, और इसके पहले अगर आप रजिस्टर कर ले तो आपको एक महीने का टाइम मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो फ्रेंड तो शायद ये ऑफ़र इसका बंद कर चुकी हो कंपनी या फिर से स्टार्ट कर दे, उसका उसी टाइम पता चलेगा। तो फ्रेंड यहाँ पे बैंक डिटेल ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और फ्रेंड जो भी यहाँ बैंक डिटेल में आपकी जो बैंक है, बैंक अकाउंट नंबर वगैरह सारी चीज़ें डाल देनी है, जो जिस पे स्टार लगा ये वाला ज़्यादा कंपलसरी, बाकी चीज़ें कोई ज़रूरी नहीं, जो समझ में नहीं आ रहा वो मत भरिए, समझ रहे फ्रेंड। सारी चीज़ें यहाँ भरने के बाद सिंपल सा जो कंट्री से वो, और यहाँ पे अपना पासबुक यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे स्टेटमेंट अपलोड कर रहा हूँ, देखता हूँ स्टेटमेंट से होता है, नहीं तो क्या पासबुक ही अपलोड कर दूँगा रिएक्ट हुआ, जो भी होगा इसी वीडियो में आप देखोगे। यहाँ फ्रेंड मैंने बैंक डिटेल अपडेट कर दी, यहाँ सक्सेसफुली हो गया, और मैं जो बैंक डिटेल में जो स्टेटमेंट का स्क्रीन शॉट लेकर वही फ़ोटो अपलोड कर दिया हूँ। अगर मेरा KYC रिजेक्ट होता है तो भी पता चलेगा। तो अभी जिस टाइम मैं बनाए हूँ रात के लगभग 1:23 हो रहे हैं, और आज का तारीख है 18 दिसंबर 2021, तो कितनी देर में मुझे ये अप्रूव होता है रिजेक्ट होता है तो देखते हैं फ्रेंड। लगभग मैंने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया था लगभग उसका टाइम जो लग गया 12-47 घंटे लग गए, तब जाके KYC अप्रूव हुई। तो आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 20 दिसंबर 2021 को, अभी ये क्या है मेरा टाइमिंग भी चलने लगा, यानी 30 डेज के अंदर में वो कंडीशन जो हमने स्टार्टिंग बताया वो पूरा करना होगा। अब मेरा KYC कैसे कंप्लीट हुआ ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको करना होगा सिंपल सा यहाँ 3 लाइन है इस पर क्लिक कर देना है आपको। फ्रेंड जैसे इस पर क्लिक करोगे यहीं ऊपर देखो आपका पेंडिंग की जगह एक्टिव दिखाने लगा, यानी आपकी KYC कंप्लीट हो गई। अगर एक पेंडिंग दिखा रहा है तो दोबारा से डॉक्यूमेंट में जाके आपको अपलोड करना होगा सही से क्या प्रॉब्लम है, कस्टमर से भी चैट कर लेना। अब ये सीजिंग हो गई, आपका अकाउंट ID कंप्लीट हो गया, अब हमें नो डिपोजिट बोन यानी $50 37 कैसे मिले, उसके लिए आपको सिंपल सा करना क्या है फ्रेंड, उसके लिए ये देखो नीचे यहीं पर माई अकाउंट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना आपको। इस पे जैसे ही फ्रेंड क्लिक करोगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे कुछ, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ओपन लाइव अकाउंट, जो लिखा हुआ है इसी पे आपको क्लिक करना है दोबारा, इस पे क्लिक कर देना है। फिर फ्रेंड इस तरह इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ देखो यहाँ आपको साइड में दिख रहा होगा स्टैंडर्ड अकाउंट, यहाँ 50
तो इस पे स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड ही रहने देना है, सेकंड ऑप्शन लेवरेज में आपको क्लिक करके 500 कर देना है, और नीचे क्या है सबमिट बटन जो है सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। और फ्रेंड जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे लिखा होता है अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुल्ली, तो यानी आपका अकाउंट बन गया। अब जो अकाउंट है इसका पासवर्ड और यूज़र आईडी जो भी है वो क्या है आपके ईमेल जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया उस ईमेल पे मैसेज गया। तो चलिए ईमेल में चलते हैं। फ्रेंड जैसे ईमेल आईडी पाओगे तो आपको करना क्या है, यहाँ पे थ्री लाइन जो है इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ स्पैम बॉक्स, यहाँ नीचे स्पैम, तो स्पैम में मैसेज आता है इसका, तो कम्युनिटी गाइडलाइंस इसका कुछ उल्लंघन किया है इसकी वजह से स्पैम में इसके मैसेज आते हैं, स्पैम पे आपको क्लिक कर देना है। तो स्पैम पे क्लिक करोगे यहाँ पे मैसेज आया होगा मिलीवा करके, ये देखो जैसे मेरे में आया है ये मिलीवा MT5 अकाउंट क्रिएटेड, बस इस पे क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड क्लिक करो इस तरह आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका ऊपर नेम दिया होगा, फिर यहाँ पे आपका एक लॉगिन आईडी दिया होगा, यहाँ पे ट्रेडिंग पासवर्ड यानी मेन पासवर्ड, यहाँ पे इन्वेस्टर पासवर्ड हमसे मतलब नहीं है। तो आपको ये लॉगिन आईडी इसको स्क्रीन शॉट भी ले लेना फ्रेंड, अभी इसको क्या है कस्टमर को भेजना होगा तो आपको 50 मिलेगा, इसका स्क्रीन शॉट ले लो। अब इसको कॉपी करना है, पहले तो लॉगिन करना बता देंगे आपको MT5 में लॉगिन करना कैसे है, तो समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आप चलिए अपने प्ले स्टोर में, अब फ्रेंड प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है MT5 सर्च करोगे यहाँ ऊपर ही आ जाएगा, यहाँ फ्रेंड MT5 आएगा, तो इसको इंस्टॉल कर लेना है, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अब जैसे ही ओपन कर लोगे तो यहाँ पे देखिए अभी चल नहीं रहा, तो अभी इस तरह आ जाएगा इंटरफेस, या कोई ऑटोमेटिक ऐप में डेमो अकाउंट बना देगा तो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको सिंपल से कट कर देना है। यहाँ पे क्या करना है आपको थ्री लाइन जो है इस पे क्लिक कर देना है, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे फिर आएगा गेट स्टार्टेड, इस बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब इस बटन पे जैसे ही क्लिक हो गया तो थर्ड आपको यहाँ प्लस बटन पे क्लिक कर देना है फ्रेंड, प्लस बटन जैसे ही क्लिक किया यहाँ सर्च करना है मिलीवा जो ब्रोकर का नाम है मिलीवा, ये देखो मिलीवा ब्रोकर आ गया, अब ये नीचे आ गया फ्रेंड, अब इस ब्रोकर पे क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पे क्लिक कर दोगे यहाँ पे अकाउंट आईडी जो आपकी वो ला के डाल देना है, यहाँ पासवर्ड जो मेन पासवर्ड है तो वहाँ पे मैं कॉपी करके यहाँ लॉगिन पे ला के यहाँ पे डालने के बाद यहाँ लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना, आपको दिखा दूँ जो लॉगिन आईडी में क्या डालना है वो भी बता दे रहा हूँ आपको। फ्रेंड जैसे कि देखो ये ऊपर लॉगिन आईडी, ये उसको लॉगिन आईडी में डालना है और ये पासवर्ड में ये वाला कॉपी करके डालना है, गलत नहीं होना चाहिए, डाल के साइन वो कर लेना है लॉगिन कर लेना, तो मैं ये चीज़ें कर ले रहा हूँ। अब फ्रेंड जैसे ही करोगे इस तरह यहाँ पे फिर नेम आपका आ जाएगा, बैलेंस आएगा, यहाँ जीरो दिखा रहा है और यहाँ पे वैसे भी जीरो दिखाएगा क्योंकि जो बोनस है इक्विटी में देता है, और यहाँ पे मेरी दूसरी आईडी उसमें मैं रिसीव कर लिया था तो वाली मैं लॉगिन कर लिया हूँ फ्रेंड। अब सिंपल सा आपको क्या कहाँ पे क्लिक करना है, अब नीचे देखो नीचे इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है इस ऑप्शन पे। अब फ्रेंड इस ऑप्शन पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे आपकी इक्विटी में बैलेंस होना चाहिए, पर यहाँ पे मेरे बैलेंस है, मैं तो कस्टमर से चैट करना होता जो मैंने स्क्रीन शॉट आपका अकाउंट आईडी खिंचवाया था कि उसका खींच लेना MT5 का, तो यहाँ पे क्या है बैलेंस अगर नहीं दिखा रहा आपके इक्विटी में बैलेंस दिखाएगा, समझ रहे हैं फ्रेंड। तो आपको करना क्या, अब क्या करना है मेरे में तो मैं तो रिसीव कर लूँ कस्टमर चैट, अब आपको चैट करना बता रहे हैं जिससे आपको ये फंड आप में जीरो दिखा रहा होगा, अब क्या करना है अपना उसका स्क्रीन शॉट ले लेना है। अब फ्रेंड सिंपल सा ये अकाउंट आई डी MT5 के इसका स्क्रीन शॉट ले लेना, भी कस्टमर केयर को आपको भेजना है, कैसे चैट करना चलिए बताते हैं। अब फ्रेंड वेबसाइट पर आपको आ जाना है, सिंपल सा ये जो थ्री लाइन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसे फ्रेंड जैसे ही क्लिक करोगे नीचे एकदम ऑप्शन होगा सपोर्ट ऑप्शन होगा, तो ये सपोर्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सपोर्ट पे क्लिक करोगे फिर सेकंड आ जाएगा कॉन्टेक्ट अस, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है फ्रेंड। उस पर जैसे ही फ्रेंड क्लिक करोगे थोड़ा सा नीचे आपको आना है, तो यहाँ पे देखो लाइव, ये लाइव लिखा हुआ है, तो इस पर एक बार क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ नीचे देखो एक चैट बॉक्स बना हुआ है, ये चैट बॉक्स नीचे ही, तो ये अगर आ रहा है तो इसी चैट बॉक्स पे आपको क्लिक करना है फ्रेंड। फ्रेंड जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे भैया जैसे मैंने काफ़ी बात की थी, मैं तो चैट करके मांग लिया और इनका सपोर्ट टीम काफ़ी घट गया है, तो बट ये लोग रिप्लाई जल्दी नहीं देते, और दूसरी चीज़ हमेशा मंडे टू फ्राइडे के बीच में ही चैट करना, बाकी अदर सैटरडे संडे करना मत, सपोर्ट टीम कोई बात नहीं करती। तो सिंपल सा क्या है यहाँ पे आपको क्लिक करना है ये न्यू कन्वर्सेशन जो है इस पर आपको क्लिक कर देना फ्रेंड। फ्रेंड जैसे इस पर क्लिक करो ऊपर आप अपना नेम अगर नहीं पड़ा तो डाल देना, जो रियल इसी आईडी में डाला, और जो ईमेल आईडी आपकी है
वो डाल देना, ईमेल आईडी रियल ही यहाँ पे डाल देना, और यहाँ पे मोबाइल नंबर वही डालना जिससे रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद सिंपल सा स्टार्ट चैट पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे ही करोगे यहाँ पे देखो मैसेज आने लगा, हेलो सर हाउ कैन हेल्प यू, तो बोलो मतलब चैट कर दो मुझे नोटिफिकेशन बोनस नहीं मिला, इंग्लिश में बोल देना। उसके बाद क्या स्क्रीन शॉट हो मांगेगा, MT5 स्क्रीन शॉट दो, तो MT5 स्क्रीन शॉट दे देना। बस क्या है आपका KYC अप्रूव रहेगा तभी ये चीज़ें करना है, उसके बाद क्या है अपने फंड आ जाएगा। इसे यहाँ चैट कर लोगे तो अपने MT5 में, अब क्या है अब यहाँ चैट कर ली, स्क्रीन शॉट भेज दी, अब फंड अपने चेक करने, अब MT5 में चले जाना आपको। अब फ्रेंड जब वहाँ बात कर लोगे चैट कर लोगे तो ये क्या है इजीली आपको बोनस दे देगा, यहाँ इक्विटी में दिखेगा, समझ रहे हैं, बैलेंस में नहीं दिखाएगा, जो बोनस दिया इक्विटी में, और जो बैलेंस में आप जितना प्रॉफिट करोगे वो चीज़ दिखा, वो प्रॉफिट निकाल सकते हो। बट क्या है 25 स्टैंडर्ड लॉट का कंडीशन होना चाहिए। अब मैं यहाँ ट्रेडिंग करके थोड़ा सा बता दूंगा आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड अब देखिए, अब नीचे देखो कई ऑप्शन है, तो पहला ये ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर टच कर देना आपको। अब फ्रेंड यहाँ पे जब आपने टच किया, यहाँ पे टच किया कई करेंसी आ गई, तो जैसे मैं गोल्ड ज़्यादा वाले टाइल, यहाँ पे सिंपल इसके लिए इसमें गोल्ड दिख नहीं रहा, तो गोल्ड को XAUSD बोलते हैं, तो ये प्लस बटन पे हम क्लिक करेंगे। अब प्लस बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड यहाँ काफ़ी फोल्डर हैं, तो यहाँ पे ऊपर क्या है करेंसीज मिल रही हैं ऊपर वाले फोल्डर में, लेकिन ये जो मिली हुआ मेटल है, मेटल में गोल्ड मिल गया, देखो मेटल में ये गोल्ड है, ये वाला गोल्ड है XAUSD, दूसरा नाम XAUSD है, बाकी यही गोल्ड है। तो इस पर क्या है एक बार टच करेंगे हम ना, टच करेंगे बाहर आ गया। अब गोल्ड, अब जो भी अदर करेंसी में भी आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, जैसे ऑयल भी ले लेंगे, ये भी क्रूड ऑयल, इस पर भी टच करेंगे बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया। देखो ये बाहर जितनी भी चीज़ आएगी वो यहाँ नीचे आएगा। अब फ्रेंड यहाँ पे गोल्ड देखा जाए, गोल्ड हमें नीचे आ गया, गोल्ड में हम ट्रेड करेंगे, बड़े लॉट आपको ट्रेड करना भी बताएंगे। अब जैसे इसी गोल्ड पे क्या करना है, टच करना, जैसे टच करोगे काफ़ी देखो ऑप्शन आ गए, न्यू ऑर्डर, चार्ट, प्रॉपर्टीज, तो हमें न्यू ऑर्डर और चार्ट से मतलब है, तो सिंपल सा चार्ट पे क्लिक कर देंगे हम। पहले तो चार्ट पे क्लिक करने जिससे थोड़ा चार्ट वगैरह देख लें। अब फ्रेंड चार्ट पे देखो हमने क्लिक किया, चार्ट ओपन हो गया। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है तो बहुत बढ़िया, अच्छी ट्रेडिंग कर लोगे, नहीं आता तो यूट्यूब पे टेक्निकल एनालिसिस के काफ़ी ट्यूटोरियल हैं, तो उसको देख के सीखो उसके बाद करो, बट ये बोनस है। अब सिंपल सा ये हो गया, चार्ट आ रहा है तो चार्ट में देख लो भैया क्या मार्केट जाने वाली है, अगर आपको लग रहा है ऊपर जाने वाली है नीचे जाने वाली है, तो अब करना क्या है। अब देखो यहाँ पे सिंपल ये, अब इसमें ऑर्डर यानी इसको हमको खरीदना है, तो ये वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। अब इस पर जैसे ही क्लिक करो यहाँ देखो स्टैंडर्ड लॉट लगा हुआ है, तो यहाँ पे इतना स्टैंडर्ड तो लगेगा भी नहीं, इतना लगाएंगे भी नहीं क्योंकि $50 में, तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड का मतलब ये हुआ, जैसे कि फ्रेंड आप कहीं भी मार्केट में सब्जी या कोई भी सामान खरीदने जाते हो तो जैसे ज़्यादा खरीदना है, जैसे 1 किलो लोगे थोड़ा मिलेगा, 5 किलो लोगे और ज़्यादा, तो उसी तरह ये जितना बढ़ाओगे समझो उतना ज़्यादा खरीदारी कर रहे हो गोल्ड की, तो उसी हिसाब से प्रॉफिट लॉस ज़्यादा, अगर जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा लॉस भी होगा, तो ये चीज़ें होंगे फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जीरो वैसे हमेशा देखो ये यहाँ जो है अगर देखा जाए तो आप यूज कर सकते हो, अगर रियल ट्रेडिंग कभी करो तो 0.1000 डॉलर अकाउंट पे 0.01 ही मैक्रो लोग यूज करते हैं, इतना ये वाला $1000 अकाउंट पे, सोच ले यहाँ पे हमें $50 मिला, लेकिन तब भी बड़ा लॉट यूज करेंगे 0.5, क्योंकि एक ही महीने हमें 25 स्टैंडर्ड कंप्लीट करना, 25 स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है यहाँ का 25 स्टैंडर्ड, यानी अगर ये 0.01 का ट्रेड हम क्लोज करेंगे, अगर 0.01 का ट्रेड अगर हम क्लोज करेंगे 2500 बार, तो जाके कहीं जाके सॉरी 100 एक स्टैंडर्ड में 100 × 25 कर लो, एक मिनट। हाँ फ्रेंड अगर 0.01 के ट्रेड 2500 बार क्लोज करेंगे तो जाके 25 स्टैंडर्ड जो कंडीशन है वो फिल होगा, लेकिन अगर यही जगह हम बड़े लॉट मारेंगे इसके जगह 5 मारेंगे तो 5 × 5 कर लो, तो उतना कम हो जाएगा 5 गुना ही, उतना 5 5, तो यानी जो भी ट्रेड है इस तरह क्लोज। तो यहाँ पे सिंपल सा फ्रेंड जैसे आप नए हो तो थोड़ा सा बता दें, यहाँ पे देखो इस बॉक्स में SL स्टॉप लॉस डाल सकते हो, इसमें TP स्टॉप लॉस, यानी वो चीज़ें जैसे कि आपको लग रहा है कि भाई मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा तो जैसे मैं ना देख पाऊँ तो ऑटोमेटिक मुझे $4 लॉस में क्लोज हो जाए, और ये TP का मतलब टेक प्रॉफिट, यानी कि आप इतना जैसे प्रॉफिट हो $10 हो जाए तो ऑटो क्लोज हो जाए उतने पे, तो यहाँ वो रेट डाल सकते हो, नहीं तो ये कुछ भी नहीं डाल सकते आप वैसे ही, तो यहाँ पे मैं बड़े लॉट ले रहा हूँ ना, SL ना TP कुछ भी नहीं डालूंगा फ्रेंड। और यहाँ नीचे जो देखो दिया उस सेल और एक दिया हुआ बाई, तो यहाँ जो सेल है इसका मतलब काफ़ी लोग कन्फ्यूज जाते हैं, सेल करेंगे तो बिक जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा नहीं, सेल मतलब शॉर्ट ट्रेड, यानी कि गोल्ड अगर रेट सस्ता होगा, अगर आपको लग रहा है गोल्ड रेट गिरने वाला है तो सेल पे क्लिक करके खरीदारी करना, सेल पे क्लिक करोगे तो गोल्ड अगर नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट आएगा, अगर आपको लग रहा है गोल्ड ऊपर जा रहा है या कोई भी करेंसी भी ऊपर जाने वाली है तो बाई बटन यूज करोगे, तो यहाँ पे भैया मैं सेल बटन यूज करने वाला हूँ 5 का, तो यहाँ पे मैं सेल पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब देखो ये
नॉट इनफ, देखा जाए बड़ा लॉट है ना फ्रेंड, तो लग ही नहीं रहा $50, तो थोड़ा सा हमें कम करेंगे। चलो टू लॉट मार देना है, नॉट इनफ मनी अभी भी बता रहा है, चलो एक कर देना अब तो लगेगा ये, यानी देखा जाए गोल्ड का ज़्यादा लगा ही नहीं सकते। तो फ्रेंड करना क्या, GBP USD में ट्रेड ले लेना, बड़े लॉट उसमें लग जाएगा या US ऑयल में। तो देखो ये ट्रेड चलने लगा फ्रेंड, अब ट्रेड देखो हमेशा माइनस से ओपन होता है, तो यहाँ स्टार्टिंग में कभी भी आप देखोगे जैसे गोल्ड ही है तो यहाँ देखो एक स्प्रेड करके लिखा रहा, तो ये ब्रोकर जो ब्रोकर आपको फैसिलिटी दे रहा है उसका कमीशन होता है, तो वो अपना कमीशन पहले ही काट लेते हैं, इसलिए हमेशा जब भी ट्रेड ओपन करोगे वो माइनस से ही ओपन होगा, समझ रहे फ्रेंड, सिंपल सा ये। अब ये ट्रेड चल रहा है अपने आप, अब यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे, SLTP आपने डाला ही नहीं, एकदम खाली है, तो आप खुद मैनुअल क्लोज करना पड़ेगा। उसके लिए सिंपल सा इस पर हाथ रख के लेफ्ट साइड ऐसे सरकाओगे तो कई ऑप्शन आ जाएंगे, तो पहला ऑप्शन से यहाँ मैनुअल क्लोज कर सकते हो। अगर SLTP लगाना है तो भाई पेंसिल क्लिक करें, SLTP इसमें लगा सकते हो, जैसे लगाना है कि अपने आप ट्रेड क्लोज हो जाए लॉस या प्रॉफिट, और प्लस से यानी नया ऑर्डर और ले सकते हो ये। और दूसरी बात, अब इस पर जैसे क्लिकर में क्लोज करके आपको दिखाने के लिए सब कर रहा हूँ, इतना आधा डॉलर लॉस में देखा जाए तो ये देखो नीचे आ जा रहा है, नीचे ये इसी पे क्लिक करोगे क्लोज हो जाएगा, लेकिन हरा कलर का चलता रहेगा प्रॉफिट में क्लोज करना, आपको दिखा ये देखो क्लोज हो गया। अब देखो यहाँ पे यानी आपका कोई भी ऑर्डर नहीं है, यानी कोई चीज़ खरीदे नहीं, हिसाब से आप बेच दिए जब क्लोज करते हो। अब फ्रेंड एक चीज़ तो आपको ये देखना कितना मेरा आज प्रॉफिट लॉस हुआ, तो ये वाले ऑप्शन क्लिक करना है, ये ऑप्शन क्लिक करो, यहाँ देखो दिखा रहा है इतना प्रॉफिट हुआ नहीं तो लॉस ही हुआ, लॉस में आपको दिखाने के लिए सिर्फ ये आज का ये ऑर्डर दिखा रहा है। कैलेंडर वाइज आप चेक करना चाहते हो तो चेक करना चाहते हो तो फ्रेंड यहाँ पे क्लिक करके आप लास्ट वीकली का कितना हुआ है सब देख सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं फ्रेंड, ट्रेडिंग भी मैंने तरीका बता दिया, जरूरी नहीं गोल्ड ही में ट्रेड लो। अब क्या जैसे GBP USD यहाँ पे मैं ट्रेड लेने वाला हूँ, तो एक ट्रेड और लेके दिखा रहा हूँ, GBP USD यहाँ ऐड कर लूँ ये, अब इस पर टच करूँगा ये बाहर आ गया, एकदम नीचे ही मिल गया। तो फ्रेंड ये GBP USD अगर मैं देख रहा हूँ, अगर लगेगा मुझे ऊपर जा रहा है तो मैं क्या करूँगा इसमें ट्रेड ले लूँगा। अब फ्रेंड जैसा कि यहाँ पे GBP USD मैंने ओपन कर लिया, अब सिंपल सा इस पर इसमें थोड़ा बड़े लॉट भी लगा लोगे तो यहाँ पे बल्कि मैं ज़्यादा ही लॉट मार दे रहा हूँ, 10 का buy मार दे रहा हूँ, ये देखो लग जाएगा क्योंकि काफ़ी छोटा शेयर है ना, तो इसमें देखो 10 लॉट लग गया। तो इस तरह क्या बड़े बड़े लॉट देखा जाए करेंसी में ट्रेड लेके हम कर सकते हैं, बट गोल्ड में ज़्यादा बड़ा लॉट लग नहीं रहा इसलिए जल्दी कंप्लीट नहीं हो सकता, लेकिन GBP USD में किया हूँ तो इजीली यार कंप्लीट होने के चांस रहेगा। जो भी होगा, अगर मैं सारे कंडीशन कंप्लीट कर लूँगा और प्रॉफिट बना लूँगा विड्रॉल का जो भी रूल होगा, तो हम यहाँ पे वीडियो लाइव विड्रॉल प्रूफ भी लेके आएंगे, अदरवाइज अगर मैं नहीं कर पाता तो लाऊंगा नहीं, लेकिन क्या कोई सब्सक्राइबर कर लिया होगा तो मैं सब्सक्राइबर के प्रूफ से वीडियो लाइव का लाइव विड्रॉल प्रूफ का वीडियो मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे विड्रॉल लेना है सारी चीज़ें वीडियो लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो होगा। अगर मेरा लॉस ही अधिकतर नो डिपॉजिट बोनस मैं देखता हूँ, बड़े लॉट ही मार देता हूँ लॉस ही करता हूँ, आज तक मैं कोई नो डिपॉजिट बोनस विड्रॉल नहीं ले पाया, जितने भी मैंने वीडियोज़ बनाए सब सब्सक्राइबर के होते हैं, जो भी सब्सक्राइबर करता है वो प्रूफ देता है तो जाके मैं वीडियो बनाता हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड अगर वीडियो समझ में आया तो यार प्यारा सा कमेंट करना और एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।